सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। जयपुर से खबर है जहां नगर निगम की कार्यवाही का विरोध हुआ है। नगर निगम दस्ते की भीड़ के बीच हाथापाई हुई है। निगम पर बिना नोटिस दिए कार्रवाई का आरोप है। जयपुर के करतारपुरा नाले की घटना है जहां नगर निगम दस्ते और भीड़ के बीच हाथापाई हुई है। नगर निगम पर बिना नोटिस दिए कार्रवाई करने का आरोप लगा है। जयपुर के करतारपुरा नाले के पास की ये घटना है जहां बिना नोटिस दिए नगर निगम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसका लोगों ने विरोध किया है। और ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी जेडीए द्वारा इस तरह की कार्रवाई कई बार की गई है, जिससे जो लोग इन जगहों पर रहते हैं या जो लोग इन जगहों से कारोबार कर रहे होते हैं उन्हें बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है और हर बार इसका विरोध भी देखने को मिलता है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं समाचार प्लस पर, सबसे पहले जयपुर से जहां पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जहां जेडीए ने बिना नोटिस के कार्रवाई की जिसके बाद ये बवाल हुआ। योगेंद्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं, बात करेंगे। योगेंद्र, बिना नोटिस के एक बार फिर कार्रवाई की गई है, क्या कहना है लोगों का और क्या दलील दे रहा है जेडीए? देखिए, नगर निगम के सिग्नलाइज जोन की ओर से ये कार्रवाई की गई थी, जहां पर स्थानीय लोगों का आरोप है कि वो अतिक्रमी जरूर है लेकिन उन्हें किसी प्रकार का नोटिस नगर निगम की ओर से नहीं दिया गया। बाकायदा जब भी चाहे वो अतिक्रमणकारी हो चाहे कोई और हो, बाकायदा नोटिस दिया जाता है लेकिन इस कार्रवाई में किसी प्रकार का जो ये प्रभावित लोग हैं उन्हें नोटिस नहीं दिया गया। जी धन्यवाद योगेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। तो लोगों का साफ कहना है कि कोई नोटिस नहीं दिया गया और ना ही इनके पुनर्वास के लिए कोई इंतजाम किए गए हैं, जिसके चलते लोगों में आक्रोश है, लोगों ने बवाल किया। राजस्थान में अब खेल एकेडमी और स्टेडियम बनाने का काम भी पीपीपी मोड पर होगा। जी हां, सरकार की नई खेल नीति में इसका प्रावधान है और सरकार ने इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया है। पहले चरण में संभाग स्तर पर सरकार उद्योगपतियों को इसके लिए जमीन उपलब्ध कराएगी। जयपुर में एसएमएस स्टेडियम और विद्याधर नगर विभिन्न खेल एकेडमी के लिए जमीन दी जाएगी, जबकि कोटा उदयपुर आदि संभाग मुख्यालयों द्वारा इसके प्रस्ताव तैयार हैं। साथ ही खींसर ने कहा कि पीपीपी मोड पर बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एकेडमी तैयार होंगी, वो खेलों को बढ़ावा मिलेगा, एकेडमी का स्ट्रक्चर उद्योगपति खड़ा करेंगे और उसे 20 से 30 साल तक संचालित करने का जिम्मा लेंगे। खेल के लिए अब सरकार एक्शन में आ गई है। पहले चरण में उद्योगपतियों को जमीन मिलेगी। खेल मंत्री गजेंद्र सिंह खींसर ने यह बयान दिया है। राजस्थान में पीपीपी मोड पर बनेगी स्पोर्ट्स एकेडमी, स्टेडियम बनाने का भी अब काम पीपीपी मोड पर होगा, स्पोर्ट्स एकेडमी भी पीपीपी मोड पे बनाई जाएंगी। चार पांच उद्योगपति हैं जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बना के हैंड ओवर करेंगे। कुछ चाहते हैं कि वो 15-20-30 साल तक वो उनको चलाए, ठीक है ना। तो ये जो अभी मॉडल जो है ये महीने दो महीने के अंदर ये जो हमारी जो नई नीति बनी है उसके तहत ये शुरू हो जाएगा। खेल नीति क्या है नई ये आपको बता देते हैं। पीपीपी मोड पर होगा स्टेडियम बनाने का काम, इस दिशा में काम भी शुरू हो गया है। उद्योगपतियों को सस्ती दरों पर सरकार जमीनें देगी। पहले चरण में संभाग स्तर पर काम होगा। पीपीपी मोड पर तैयार होंगी स्पोर्ट्स एकेडमी, एकेडमी का स्ट्रक्चर उद्योगपति खड़ा करेंगे। तो कुल मिलाकर अब स्पोर्ट्स को, खेलों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से ये बड़ी पहल की जा रही है और खासतौर पर पीपीपी मोड पर इसको देने का एक कारण ये भी है कि सरकार का ये मानना है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अगर काम किया जाता है तो वो काम जल्द ही होता है, जिससे लोगों को उसका फायदा जल्दी मिलता है। और पीयूष हमारे सहयोगी सीधे जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बात करेंगे। पीयूष, सरकार का हमेशा से मानना है कि पीपीपी मोड पर काम बेहतर होता है, अच्छा होता है, जल्दी होता है। अब स्पोर्ट्स एकेडमी का काम पीपीपी मोड पे किया जा रहा है, कितनी जल्दी लोगों को फायदा मिल पाएगा इसका? देखिए, कभी खेल मंत्री के बयान की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि अगले दो महीने पे इस पे काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रपोजल आना शुरू हो चुके हैं। छह बड़े उद्योग जो घराने हैं, जो उद्योगपति हैं, उनका प्रपोजल खेल विभाग के पास भी आया है। इस दिशा में काम शुरू हो गया। शुरुआत जयपुर से होगी, संभाग मुख्यालय से होगी। जयपुर की कभी बात की जाए तो जयपुर में जो मानसिंह स्टेडियम है, सवाई मानसिंह स्टेडियम, उसके परिसर में जो खाली जमीन है वहां पर दो अकेडमी बनेगी। इसके साथ ही विद्याधर नगर जो स्टेडियम है वहां पर भी दो अकेडमियां बनाने का जो काम है वो शुरू किया जाएगा। इसके अलावा जो उदयपुर कोटा की कभी बात की जाए तो वहां पर भी प्रपोजल आ चुके हैं, जिसको हरी झंडी कुछ ही टाइम बाद मिल जाएगी। इसके अलावा जो दूसरा चरण रहेगा अनामिका, मैं आपको बता दूं, उसमें जिला स्तर पे जो अकेडमिया है वो बनाने का काम होगा, उसके साथ ही जो स्टेडियम है वो बनाने का काम होगा। क्योंकि सरकार की मंशा है कि यदि वो अपने स्तर पर इस प्रकार का निर्माण कराती है तो उसके लिए संसाधनों की बेहद आवश्यकता होती है और फिर उसको संचालित करने के लिए भी अतिरिक्त संसाधन लगाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि पीपीपी मोड पर कोई काम शुरू किया जाता है तो जल्द से जल्द लोगों को उसमें राहत मिल पाएगी। आम जो बच्चे हैं, जो स्पोर्ट्स मैन है,
उनके लिए ये जल्दी से एक नई पहल बनकर सामने आ सकेगा। इसके साथ ही क्योंकि सरकार के स्तर पर खर्चा किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पीपीपी मोड पर जब काम शुरू होता है तो कुछ पैसा, कुछ जो नॉमिनल जो राशि होती है वो आम इंसान को भी खर्च करना पड़ती है एकेडमी में खेलने के लिए। लेकिन सरकार ने इसमें भी गली निकाली है कि दिन भर में एक टाइम फिक्स होगा जिसमें वो निःशुल्क जो आम बच्चे है वो वहां पर जाकर अपने खेल की जो गतिविधियां है वो संचालित कर सकते हैं। मतलब सरकार की तरफ से हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और खासतौर पर राजस्थान के जो स्पोर्ट्समैन है, जो राजस्थान के खिलाड़ी है, उनमें खेल का जो उत्साह है वो लगातार बना रहे, खेल को लगातार आगे बढ़ाया जा सके, इसको देखते हुए सरकार ने नीति बनाई है और इस नीति में इसका प्रावधान किया है ताकि पीपीपी मोड पे आने वाला जो काम है वो शुरू किया जा सके। बिल्कुल पीयूष, एक बात और जानना चाहेंगे आपसे कि इन स्पोर्ट्स एकेडमी में कौन कौन से खेल शामिल है, किन किन खेलों की अकेडमी ये बनाई जा रही है और संभाग स्तर पर यह अकेडमी बनाई जानी है, तो जो अन्य इंटीरियर जगहों के लोग हैं, जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए क्या कुछ खास इसमें किया गया है शामिल? देखिए, शुरुआत में जो पहले चरण की जहां तक बात है अनामिका, जो हमारी बात हुई है खेल मंत्री गजन खिंसर से, उन्होंने साफ तौर पे कहा है जयपुर की कभी बात की जाए तो जयपुर में एसएमएस स्टेडियम में बाहर बैडमिंटन को लेकर और टेबल टेनिस को लेकर एकेडमी बनाई जाएगी। इसके अलावा विद्याधर नगर की बात की जाए तो वहां पर फुटबॉल को लेकर एकेडमी बनाने की वो बात कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरे जो संभाग मुख्यालय है वहां पर किस प्रकार के खेल ज्यादा प्रचलित है, लेकिन एक जो दिशा निर्देश है वो अधिकारियों को उन्होंने साफ तौर पर दिया है, उन्हीं खेलों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन करने की कोशिश की जाए जो कि राजस्थान में प्रचलन में है और में राजस्थान की प्रतिभा निखर के सामने आ रही है। क्योंकि ये बात करें यदि तीरंदाजी की तो आपको मालूम है रजत शर्मा जो है उसने नाम कमाया है। इसके अलावा खो खो कबड्डी जैसे खेल है जिसमें राजस्थान के कई खिलाड़ी है जो देश विदेश में अपना परचम लहरा चुके हैं, तो सरकार चाहती है कि उन खेलों के खिलाड़ियों को ज्यादा प्रोत्साहन मिले जिनकी प्रतिभा राजस्थान में है। जी बिल्कुल, धन्यवाद पीयूष आपका इस जानकारी के लिए। तो जिनकी प्रतिभा देखने को मिली है, देश विदेश में देखने को मिली है, उन प्रतिभाओं को मौका मिले और वो अपनी इस प्रतिभा से लोगों को भी, और लोगों को जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं उनको भी सिखा सके, खासतौर पर इसके लिए एकेडमी शुरू की जा रही है। बढ़ते आगे, अलवर दौरे पर रही जल संसाधन मंत्री किरण माहेश्वरी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि शहर और ग्रामीण इलाके में पेयजल संकट को दूर करने के लिए जलदाय विभाग का काम जारी है। अलवर में चंबल नदी का पानी सप्लाई करने के लिए काम चल रहा है जो आखिरी दौर में है, इसके लिए सरकार ने टेंडर भी जारी कर दिए हैं। बता दें कि इस योजना से अलवर शहर ही नहीं ग्रामीण इलाकों को भी जोड़ा गया है। जिले समेत 9 शहर और 2000 गांव इस योजना से जोड़े गए हैं, जिसके लिए एनसीआर बोर्ड का सहयोग भी लिया गया है। योजना के पहले चरण में 4,918 करोड़ रुपए खर्च होने हैं, जिसका 30% बजट राजस्थान सरकार और 70% राशि एनसीआर बोर्ड खर्च करेगा। लोगों ने चंबल का पानी लाने का टेंडर इनवाइट कर चुके हैं। फर्स्ट फेज का ये 4,918 करोड़ का जो है हमारा, उसमें हम लोगों का ये चंबल का पानी लाने का पहले फेज का हमने 2035 तक की पॉपुलेशन को लेते हुए हम लोगों ने उसको डिजाइन किया है इस प्लान को, और मैं समझती हूँ कि आज तक जो चीज नहीं हुई हो पाई अलवर के लिए, अब जो वसुंधरा जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है उसमें उनकी खुद की भी चिंता है और ऐसे 5 टेंडर्स अलवर के लिए हुए हैं। रामगंज मंडी पहुंचे राजस्थान सरकार के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने सूबे की पुलिस महकमे की तारीफ करते हुए कहा कि अपराध के ग्राफ में पुलिस ने काफी हद तक अंकुश लगाया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में जोधपुर में आईएसआई के 2 एजेंट गिरफ्तार किए गए जो राजस्थान पुलिस के लिए काबिले तारीफ है। वहीं रामगंज मंडी में बढ़ते अपराधों पर उन्होंने कहा कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास के ध्येय पर पुलिस लगातार काम कर रही है, यहां भी अपराधों पर अंकुश लग सकती है। आत्महत्या के मामलों पर गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया ने बयान दिया है। कोटा आए गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया ने छात्र सुसाइड मामलों पर कहा कि मां बाप के बढ़ते दबाव के चलते छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादातर मामलों के लिए मां बाप जिम्मेदार हैं क्योंकि वो खुद ही अपने बच्चों की काबिलियत नहीं पहचान रहे हैं। बच्चों की दिलचस्पी जाने बिना कोचिंग कराना सही नहीं है, उनकी दिलचस्पी किस क्षेत्र में है ये जानना जरूरी है। वहीं उन्होंने कोचिंग संस्थानों की गलती पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की भी बात कही है। बता दें कि कोटा में इस साल 17 छात्रों ने खुदकुशी की है। जरा भी बच्चे की कैपेसिटी नहीं है पर उसको उस ऊंचे पद पर देखना चाहते हैं जिस पद के लिए वो मेहनत करने के बाद भी प्राप्त करना उसके लिए संभव नहीं होता है और इस कारण से बच्चा डिप्रेशन में रहता है और मोटा तो यही है। और जो सुसाइड नोट उसने लिखा उसने ये भी प्रूव कर दिया कि आप मुझसे जो उम्मीद चाहते थे मैं उस उम्मीद को पूरी नहीं कर सकता हूँ।
इसलिए माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि बच्चे की कितनी तो कैपेसिटी है और कितना उसको राइज करना है। नागौर में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। वाकया खींवसर के पांचला सिद्धा गांव का है, जहां तीन लोगों ने एक नाबालिग के साथ गैंगरेप किया और उसके बाद उसकी अश्लील फोटो खींचकर उसे कई बार अपने हवस का शिकार बनाया। पीड़ित ने दो दिन बाद अपने साथ हुई आपबीती परिजनों को सुनाई, जिसके बाद पीड़ित ने परिजनों के साथ थाने में केस दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। आरोपी दामाराम और सत्ताराम खींचड़ समेत एक और आरोपी घटना के बाद से फरार है। खींवसर थाना क्षेत्र की एक नाबालिग बच्चे ने इस आशय की रिपोर्ट पेश करी कि दिनांक 22 तारीख को उसी गांव के तीन युवकों ने उसके साथ अनैतिक कार्य किया, जिस पर आईपीसी की धाराओं में पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया। इन्वेस्टिगेशन जारी है, मुलजिमों की तलाश जारी है। खबर अनूपगढ़ के रावला मंडी कस्बे से है, जहां सादुल शहर में बच्ची की रेप के बाद की गई हत्या से आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन किया। हैवानियत के शिकार हुई मासूम बच्ची को कस्बे के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। रावला के रोजड़ी चौक में शहीद चौक से शुरू हुआ कैंडल मार्च शिव चौक पर शोक सभा में बदल गया, जहां लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर संकल्प लिया कि समाज में हैवानियत को कोई जगह नहीं देंगे और दोषी चाहे बालिग हो या नाबालिग हो, उसे ऐसे कृत्य के लिए फांसी की सजा देने की मांग करेंगे। सरदार शहर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। प्रेमी जोड़े ने कुंड में कूदकर खुदकुशी की है। तीन दिन पहले दोनों जैतासर से फरार हुए थे। भानीपुरा थाना क्षेत्र के जैतासर गांव की यह घटना है, जहां प्रेमी जोड़े ने कुंड में कूदकर खुदकुशी की है। दो से तीन दिन पहले ये लोग जैतासर से फरार हुए थे और आज इनका शव जैतासर के गांव से बरामद हुआ है। कुंड में कूदकर इन्होंने आत्महत्या की है। सरदार शहर से ये खबर सामने आई है, जहां प्रेमी जोड़े ने कुंड में कूदकर आत्महत्या कर ली है। कुंड में कूदकर खुदकुशी की बात सामने आ रही है। तीन दिन पहले दोनों जैतासर से फरार हुए थे। प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या की है। जैतासर गांव की यह घटना है, भानीपुरा थाना क्षेत्र के जैतासर गांव की यह घटना है। तीन दिन पहले दोनों जैतासर से फरार हुए थे और आज इनका शव मिला है। सरदार शहर से महेश पारिक हमारे साथ जुड़े हैं। महेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? हेलो महेश, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही मैडम। कौन है ये लोग, कुछ जानकारी मिल पाई है इनके बारे में? देखिए, ये दोनों प्रेमी प्रेमिका है, ये जैतासर गांव के रहने वाले हैं और 22 तारीख को ये अपने गांव से फरार हो गए थे और आज इन दोनों का शव जैतासर की रोई में एक कुंड में मिला है। जो लड़की है उसके ही कुंड में इन दोनों का शव मिला है। जी धन्यवाद महेश इस जानकारी के लिए। भरतपुर के कोतवाली थाना इलाके के सुजान गंगा नहर में एक युवक का शव मिला है। शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकलवाया है। मृतक की पहचान कोतवाली के नदिया मोहल्ला के शरद मित्तल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शरद 20 दिसंबर से लापता चल रहा था, जिसकी गुमशुदगी रिपोर्ट परिजनों ने कोतवाली में दर्ज कराई थी। बहरहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मौत की मिस्ट्री जानने के लिए पुलिस तफ्तीश कर रही है। तकरीबन सूचना मिली थी कि जो है गांधी पार्क के पास में नहर में पानी में एक लाश तैर रही है। इस दर पर यहाँ आकर के देखा तो एक इंसान की लाश तैरती हुई मिली। यहाँ पर उनके परिजन भी मिले, बोले कि ये लाश जो है शरद की हो सकती है और वो ही है। मैं कि ऐसे कुछ भी नहीं कह सकते जब तक डेड बॉडी को बाहर नहीं निकाल लें, इससे पहले कुछ भी नहीं कह सकते। तो मच्छी मौत। और जयपुर से बड़ी खबर, जहां संजय बाजार में पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। बाइक की पार्किंग को लेकर विवाद हुआ है। दोनों गुट के 7 से ज्यादा लोग घायल हुए। घायलों को SMS अस्पताल भेजा गया है। घटना स्थल पर पुलिस का भारी बल मौजूद है। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है। दोनों गुटों के 7 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को SMS अस्पताल भेजा गया है। बाइक की पार्किंग को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद पत्थरबाजी की गई। घटनास्थल पर पुलिस का भारी बल तैनात है। भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात कर दिया गया है। संजय बाजार में पत्थरबाजी हुई है। ज्यादा बवाल ना हो इसके लिए पुलिस मौके पर मौजूद है।
वहीं डेगाना में जमीन के लिए खूनी जंग हो गई है। दो गुटों के बीच जबरदस्त घटना झड़प हुई है। अस्पताल चौराहे की यह घटना है जहां जमीन को लेकर जमकर मारपीट हुई। घटना में लोगों को चोटें आई हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिसकर्मी भी इस झड़प का शिकार हो गए। एक पुलिसकर्मी और CIA को भी मामूली चोट आई है। घटनास्थल पर 5 थानों का पुलिस बल पहुंचा है। इलाके में फैले तनाव को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं डेगाना की, जहां दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ है और इस दौरान पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। जमीनी विवाद को लेकर यह खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें पत्थरबाजी में पुलिस वालों को भी कुछ चोटें आई हैं। जमीन विवाद को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ है। फिरोज डेगाना से जुड़े बात करेंगे। फिरोज, जमीन को लेकर विवाद सामने आ रहा है, क्या इस दौरान कोई गिरफ्तारी भी हुई है? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जो आधे घंटे पहले इनके पास जो विवाद चल रहा था, तो इसमें न्यायपालिका ने जो आदेश दिया था, उस आदेश को यहाँ के जो जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा था उन्होंने माना नहीं, और काफी दिनों से वो अतिक्रमण कर रहे थे। जब आज सामने वाले पक्ष ने पुलिस से इसके बारे में सहायता मांगी, तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराना चाहा, लेकिन दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें काफी लोगों को नुकसान हुआ, चोटें लगी है, और इसके अंदर यहाँ के जो डेगाना CI है उनको भी, वो भी थोड़ी घायल हुए हैं, जिससे काफी भीड़ भी जमा हो गई और आसपास के पुलिस जाब्ते को मिलाया गया मौके पर। पुलिस ने अभी जो अतिक्रमण जिन लोगों ने कर रखा था उनको थाने ले गई और आगे वो कार्रवाई के लिए चल रहा है। धन्यवाद फिरोज आपका इस जानकारी के लिए। जयपुर में मारपीट के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर आज नाहरगढ़ का चूड़ी मार्केट बंद रहा। गुस्साए दुकानदारों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का घेराव किया। दरअसल शुक्रवार रात चूड़ी मार्केट में जमकर विवाद हुआ। दो कारीगर एक दुकानदार के पास आए और माल वापस मांगने को लेकर दोनों पक्ष भिड़ गए। आरोप है कि एक पक्ष के साथ बदसलूकी की गई, जिसके बाद आसपास के लोगों के भी विरोध करने पर कारीगरों ने अपने 8 से 10 लोगों को लाकर दुकानदारों के साथ मारपीट की। भरतपुर के प्रताप कॉलोनी में बड़ा बवाल हुआ है। दो प्रॉपर्टी डीलरों में जमकर फायरिंग हुई है, दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी भी हुई है। ये विवाद दुकान की बिक्री को लेकर हुआ। इस सिलसिले में पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। प्रताप कॉलोनी के माली मोहल्ले में गौरी और कप्तान के बीच एक दुकान को बेचने के मसले पर लंबे समय से विवाद चल रहा था। पुरानी रंजिश को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। विवाद में जमकर पथराव और फायरिंग हुई। फायरिंग की घटना से कॉलोनी में हड़कंप मच गया है। बांसवाड़ा के सेवना गांव में एक महिला ने गृह कलेश के चलते आत्मदाह की कोशिश की है, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोप है कि महिला को उसका पति रोजाना शराब पीकर पीटता था, जिससे परेशान होकर महिला ने खुदकुशी करने की ठानी और खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली। बुरी तरह झुलसी महिला को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। इधर घटना से गुस्साए परिजनों ने महिला के पति की जमकर पिटाई की, जो कि चोटिल हालत में अस्पताल भर्ती है। उदयपुर की डबोक थाना में पुलिस ने अवैध डोडा पोस्ट की तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 72 किलो अवैध डोडा पोस्ट और 2 गाड़ियां जब्त की गई हैं। पुलिस की माने तो इनकी गाड़ियों पर जिला अध्यक्ष और पंचायत समिति ने की नेम प्लेट लगी थी, जिसकी वजह से दोनों शख्स पिछले लंबे समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो जाते थे और बेखौफ होकर अपने गिरोह के साथ मिलकर मध्य प्रदेश से राजस्थान तक आसानी से डोडा पोस्ट और अफीम की अवैध तस्करी को अंजाम दे रहे थे। बहरहाल दोनों अभियुक्तों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं फरार 2 आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश दी जा रही है। रायसिंह नगर के बाजूवाला सलेमपुरा रोड पर हुए बाइक बेकाबू होकर फिसल गई। हादसे में एक बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने हालत गंभीर होने पर श्रीगंगानगर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। मृतक बलवंत बाबरी जैत सर का रहने वाला है और घायल जगदीश 4LC का रहने वाला है। दोनों अनूपगढ़ से बाइक पर जैत सर जा रहे थे, इसी दौरान उनकी बाइक बेकाबू होकर फिसल गई और यह हादसा हो गया।
वहीं बांसवाड़ा में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला है। घटना कोतवाली क्षेत्र के चिड़ियावास डांगपाड़ा सड़क मार्ग की है, जहां बाइक और कार में भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मौके से भाग निकले कार सवारों की तलाश कर रही है। बाइक और कार में भीषण टक्कर हुई है। बांसवाड़ा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। हादसे में दो सवार गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें ज्यादा चोटें आई हैं, जिसके चलते इन्हें बांसवाड़ा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रुख करते हैं दूसरी खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश से प्रदेश में कड़ाके की ठंड लगातार जारी है। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावटी में पारा लगातार गिरता जा रहा है। सर्दी के तेवर तीखे होने से न्यूनतम तापमान -2 डिग्री दर्ज किया गया है। सर्दी से हर आम और खास से जुड़ रहा है। यहां तक कि मंदिरों में पुजारियों ने भगवान को भी सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहना दिए हैं। सर्दी से निजात पाने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो राजस्थान में जमा देने वाली सर्दी का सितम लगातार जारी है। सूबे के अलवर जिले में कड़ाके की ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं और खेतों में भी बर्फ की चादर जमी देखी गई। यहां पिछले 3 दिनों से तापमान में भारी गिरावट दर्ज देखी जा रही है। ग्रामीण इलाकों में ओस बर्फ बनकर जमने लगी है, जो खेतों में जमी बर्फ की सफेद चादर जैसी दिखाई दे रही है। वहीं किसानों की माने तो खेतों में जमी बर्फ फसलों में नुकसान की आशंका बढ़ रही है। नागौर में पहली बार फ्री स्टाइल रेसलिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता 27 दिसंबर को शुरू होगी। कुश्ती की तर्ज पर आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के आयोजकों की माने तो इस किस्म की प्रतियोगिता जिले में पहली बार और देश में चौथी बार हो रही है। प्रतियोगिता का आयोजन देश की रक्षा के लिए शहीद जाबाजों को श्रद्धांजलि देने के लिए होगी। खबर है कि जल्द ही जिले में रेसलिंग इंस्टीट्यूट भी खोला जाएगा, जिसमें युवाओं को फ्री स्टाइल रेसलिंग के लिए प्रशिक्षण पाने का मौका मिलेगा। तिवरी वैसे तो अपनी लाल सुर्ख तीखी मिर्च के लिए मशहूर है, लेकिन इन दिनों तिवरी मथानिया कृषि क्षेत्र की लाल गाजर की मिठास राजस्थान में ही नहीं देश भर तक पहुंच रही है। दरअसल इस कृषि क्षेत्र के तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा गांवों के किसानों का रुझान पिछले कुछ सालों से नकदी फसल गाजर और पत्ता गोभी के प्रति बढ़ा है। इनकी लगातार बढ़ती मांग के चलते यहां इस साल 6,000 हेक्टेयर में किसानों ने गाजर की बुआई की है। यहां से हर रोज औसतन 150 से 200 ट्रक गाजर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सहित अन्य राज्यों में जा रही है। कृषि विभाग के अधिकारियों का अनुमान है कि जिले में 35,000 बीघा से ज्यादा जमीन पर किसान गाजर की पैदावार कर रहे हैं।